ठीक है, तब क्या किया जाता है, ये जो पाई होती है, मतलब ये जो डंडी होती है, इसको हटा देते हैं और उसके बाद उसे मिला देते हैं। जैसे स है, स प्लस त किया, तो स की जो डंडी थी, ठीक है, ये जो पाई थी, ठीक है, ये वाली, इसको हटा दिया, और त तो आधे को आधा स और त, तो इससे बना सब शब्द है आपका बस्ता। फिर है ग, ग से खड़ी पाई हटा दी, फिर प्लस य, धन य, तो ग और य, तो इससे बना शब्द है ग्यारह। फिर त प्लस य, तो त की कना पाई हटा दी, ठीक है, तो आधा त और य, तो बना सत्य। फिर स प्लस ना, तो स, स की पाई हटा दी, तो आधा स में ना मिला दे, तो बना स्नान। फिर म धन ल, तो म में पाई हटा दी ल, तो बना अम्ल। फिर च प्लस च, तो च की पाई हटा दी, च च हो गया, तो बच्चा बन गया। ठीक है, तो पहला तो नियम ये है कि व्यंजन और व्यंजन कैसे मिलाए जाते हैं, इसमें जो पाई होती है इसको हटा के इसके आगे वाले शब्द से इसको मिला देते हैं। ठीक है, ये पहला नियम है आपका। दूसरा नियम है बिना पाई वाले व्यंजन, मतलब जिसमें ये ऐसे ये मात्रा नहीं आती, ये वाली, ठीक है, ये पाई। तो अब बिना पाई वाले व्यंजन जैसे ड, छ, ट, ठ, ड, ढ, ह, इन किसी में भी ये पाई है, मतलब डंडी नहीं है, खड़ी पाई नहीं, जब किसी व्यंजन से मिलते हैं तो इनमें हल व्यंजन हलंत लगाकर दूसरा व्यंजन पूरा लिखा लिखा जाता है। जैसे अभी ये सारे जो व्यंजन है, ठीक है, इसमें तो ये पाई नहीं है, ठीक है, तो अब इसको व्यंजन व्यंजन कैसे मिलाएंगे, तो इसमें ये बताया गया है कि इसमें क्या करते हैं, जब हम मिलाते हैं तो हल चिन्ह लगा देते हैं। हल चिन्ह मतलब हलंत चिन्ह लगा के दूसरे व्यंजन के साथ इसको पूरा लिख देते हैं। जैसे ट के नीचे हल चिन्ह लगाए, हलंत प्लस ट, तो ट के नीचे हलंत लगाते, फिर ट, तो इससे बना शब्द लट्टू। ठीक है, फिर द प्लस य, तो द, फिर य, फिर से बना शब्द है विद्यालय, इसके नीचे हलंत लगा दिया। फिर द धन, तो द के नीचे हलंत, फिर ध लिख दिया पूरा, तो इससे बना शब्द शुद्ध, मतलब इसको पूरा लिख देते हैं और इसके नीचे हल चिन्ह लगा देते हैं। ह धन, तो इससे बना हन, तो बना चिन्ह। ठीक है ना, तो दो तरह से आपके व्यंजन का व्यंजन से संयोग यानी मिलाकर लिखा जाता है। अब है याद रखे, याद रखने के लिए ये शब्द है, इन शब्दों को लट्टू, शुद्ध, विद्यालय और चिन्ह के रूप में नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि आजकल इन रूपों का प्रयोग मानक नहीं माना जाता, मतलब इसको सही नहीं माना जाता है। जैसे ये लट्टू, शुद्ध, विद्यालय और चिन्ह, ये नहीं, इनका, इनके रूप नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि इनको क्या है, मानक सही नहीं माना जाता है। अब तीसरा नियम है आपका बिना पाई वाले व्यंजन के समान स्वर सहित व्यंजन के मेल को दावित व्यंजन कहते हैं। दावित व्यंजन बनाया था उसी व्यंजन का सेम उसमें लिख देते हैं, तो वो दावित व्यंजन बन जाता है। जैसे च च लिख दिया, तो ये इसी का सेम समान हो गया। ठीक है, फिर क क लिख दिया, इसी के जैसे समान है, तो समान व्यंजन इसमें जब मिलाते हैं तो वो दावित व्यंजन हो जाता है। तो वही इसमें बताया हुआ है कि बिना पाई वाले व्यंजन के समान स्वर सहित, स्वर के साथ व्यंजन के मेल को दावित व्यंजन कहते हैं। जैसे ड प्लस ड, तो ड के नीचे हलंत लगाया था, फिर ड, इससे बना शब्द लड्डू। फिर प प्लस प, तो आधा पा, फिर पूरा पा, इससे बना शब्द चप्पल। फिर ट प्लस ट, तो इससे बना शब्द है मिट्टी। फिर च प्लस च, तो इससे बना शब्द है बच्चा। फिर द प्लस द, तो इससे बना शब्द है गधा। फिर म प्लस म, तो देखो ये आधा म और ये पूरा म, इससे बना शब्द है चम्मच। मतलब ये जो पाई होती है इसको हटा के इसमें मिला के लिख देते हैं। ठीक है, फिर ल प्लस ल, तो इससे बना शब्द बिल्ली, इसकी पाई हटा के इसमें मिला के लिख दिया। ज प्लस ज, इसकी पाई हटा के इसमें आधा ज मिला के लिख, बना छज्जा। फिर आपका चौथा नियम है र के संयोग में, ठीक है, अब आपका चौथा नियम है कि र के संयोग में सबसे अधिक असावधानी होती है, अतः इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब जब र के साथ व्यंजन का संयोग करते यानी मिलाते हैं तब बहुत ही गलतियां करते हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना हमें ज़रूरी है। जैसे र के संयोग से निम्नलिखित नियम है, र के संयोग से यानी र को मिला के कैसे हम लिख सकते हैं। जब र स्वर रहित होता है, मतलब इसमें स्वर नहीं मिला है, हलंत लगा, मतलब स्वर नहीं है, तो यह अपने आगे वाले वर्ण पर लगाया जाता है, इसे रेफ भी कहते हैं। इस मात्रा को क्या कहते हैं, रेफ कहते हैं। जैसे र धन व, तो ये व के ऊपर र की मात्रा लगी तो बन गया पर्वत। फिर र धन श, तो श के ऊपर र की मात्रा लगा दी, ठीक है, इसको इसके ऊपर लिख दिया तो हो गया दर्शन।
इसको रैफ कहते हैं, ठीक है। इस वाली मात्रा को, र की मात्रा को रैफ कहते हैं। फिर र धन द, तो द के ऊपर इसकी मात्रा लगाती बना दर्द। फिर र प्लस स, तो स, तो इससे बना शब्द वर्ष। इसके ऊपर देखो ये र लगा हुआ है। फिर र धन म, तो म के ऊपर ये लगा हुआ है, तो हुआ कर्म। फिर र धन य, तो य के ऊपर ये मात्रा लगी र की, तो ये बना आर्य। मतलब र में आगे वाले शब्द के ऊपर इसको लिख दिया जाता है। तो ये जब इसमें क्या होता है, जब इसमें स्वर नहीं मिला होता तब ये वाली मात्रा इसके ऊपर कर देते हैं, ठीक है। हम आगे पेज टर्न करेंगे। र से पूर्व, मतलब र से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो, मतलब अब पहले र नहीं आएगा, र से पहले कोई स्वर रहित, मतलब जैसे स्वर नहीं है, नीचे हलंत लगा हो, ठीक है, तो र उसके पैरों में नीचों की ओर लगाया जाए, तब क्या करते हैं कि र की मात्रा क्या है, नीचे की तरफ लगा देते हैं। तथा इसका प्रयोग निम्नलिखित रूपों में हो जाता है, ठीक है। तब क्या किया जाता है, र की जो मात्रा होती है उसके आगे वाले व्यंजन नीचे लगा देते हैं। जैसे ये पहले र से पहले आया कोई भी व्यंजन जिसमें स्वर नहीं मिला हुआ, नीचे हलंत लगा हुआ, ठीक है, तो प धन र, तो देखो प के नीचे ये र की मात्रा लगा दी इसके पैरों में, तो प्र बन गया, तो इससे बना शब्द है प्रकाश। फिर द, द के नीचे हलंत है, मतलब इसमें स्वर नहीं है, तो द के बाद र आया, तो र को क्या है, इसके नीचे लगा दें, तो द के नीचे र, तो बना आपका शब्द समुद्र। फिर क, क के क धन र, तो क के नीचे देखो र जोड़ दिया, तो इससे बना शब्द चक्र। फिर ग धन र, तो ग के नीचे र की मात्रा जोड़नी, बना ग्रह है। फिर त प्लस र, तो बना शब्द त्र, तो बना ओ, इससे बना शब्द पत्र। फिर ज धन र, तो ज के नीचे र लगा दिया, तो बना वज्र, ठीक है। स के साथ रा का संयोग होने पर इसका रूप स्र हो जाता है, क्या हो जाता है, स्रो। स के साथ जब रा का संयोग करते तो इससे हो जाता है स्र, स के नीचे र लग जाता है। जैसे स प्लस रात बना स्त्रोत, फिर सहस्त्र, ठीक है, सहस्त्र, ये आप बने इससे शब्द है। तो रा का प्रयोग करते समय हमें ध्यानपूर्वक इसका प्रयोग करते हैं। पहले तो क्या है, रा अगर ना किसी भी व्यंजन से पहले रा आ गया जिसमें स्वर नहीं है, तो वो क्या है, उस व्यंजन के ऊपर चला जाएगा। और अगर रा से पहले कोई व्यंजन आया जिसमें स्वर नहीं है, तो रा कहाँ जाएगा, उस व्यंजन के नीचे चला जाएगा, ठीक है ना। अब याद रखें, स प्लस त्र, तो वरना इस त्र के रूप में लिखा जाता है। जैसे शस्त्र, अस्त्र, वस्त्र आदि विद्यार्थी स्र और त्र के अंतर को जाने बिना सहस्त्र और सहस्त्र तथा स्त्रोत और स्त्रोत लिख देते हैं, जो अशुद्ध है, क्यों, क्या है, गलत। तो इसके प्रयोग को हमें ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और इसकी कोशिश समझना है इसको, ठीक है ना। ट तथा ड से रा का संयोग होने पर रा उनके नीचे इस प्रकार जुड़ता है। जब रा का संयोग ट और ड, सॉरी ड और ट, इन दोनों से जब रा का संयोग होता है तो ये इस प्रकार जुड़ता है। देखो ट प्लस र, तो ट के नीचे ये ऐसे लग जाती मात्रा, ठीक है, इससे बना शब्द है ट्रक, ट्रेन। फिर ड के बाद र जोड़ा जाए, तो ड के नीचे ये मात्रा जाती, तो इससे बना शब्द है ड्रम, ट्रेस, ड्रामा, ठीक है ना। अब आगे पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद। वर्ण पता है कौन से होते हैं, विच्छेद मतलब अलग करना। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। कोई शब्द होता है, ठीक है, उसमें प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे जल, अब इसको हम अलग करेंगे, तो पहले ज लिखा है तो हम ज लिखेंगे, और ज के में स्वर मिला हो तो स्वर अलग लिखेंगे, उसके नीचे हलंत लगाएंगे, ठीक है, ज धन अ, ये हो गया। फिर ल, तो धन, फिर ल के नीचे हलंत लगाए क्योंकि उसमें स्वर, इसको अलग करेंगे तो धन अ, तो ये बना शब्द आपका जल। फिर है कमल, तो क, तो क लिख दिया, इसके नीचे हलंत लगाए क्योंकि स्वर अलग लिखेंगे, धन अ। धन म, ठीक है, म के नीचे हलंत लगाए क्योंकि स्वर अलग लिखा है। फिर धन ल, फिर धन अ, तो ये बना शब्द आपका कमल। फिर उत्पन्न, तो पहले उ लिखेंगे, फिर त है तो त लिखेंगे, इसके नीचे हलंत लगाएंगे। फिर प लिखेंगे, ठीक है, इसके नीचे हलंत, फिर अ लिखेंगे। फिर दो बार ना है तो न के नीचे हलंत, धन न, फिर धन अ।
फिर अस्पष्ट, तो इसका विच्छेद कैसे होगा, पहले अ लिखेंगे, फिर स है तो स लिखेंगे इसके चलंत, फिर प है तो प के चलंत, फिर अ मिला हुआ है दोनों में तो अ, उसके बाद स लिखेंगे ठीक है, फिर हल अट लिखेंगे, उसके बाद हलंत लगाएंगे, फिर धन अ, तो ये बना शब्द आपका स्पष्ट। ठीक है, तो ये आपका वर्ण विच्छेद पूरा हो गया। अब ये है आपके, जिन व्यंजनों में कोई मात्रा नहीं जुड़ी होती उनमें आ की ध्वनि छिपी होती है। जिन व्यंजनों में, जैसे मैंने ये लिख दिया ची, अब इसमें तो ई की मात्रा लिखी है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है ये बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन अब हम लिख देते हैं ये व्यंजन, तो इसमें हमें पता चल रहा है कि इसमें अ मिला हुआ है, ठीक है, तो इसके नीचे हलंत लगाएंगे, इसलिए इसमें ये बताया हुआ है कि जिन व्यंजनों में कोई मात्रा नहीं होती है, इनमें देखो कोई मात्रा नहीं है, तो इनमें अ की ध्वनि मिली हुई है, छुपी हुई, ठीक है ना। तो ये पाठ आपका पूरा हो गया, आपको दो बार अच्छे से पढ़ना है, नहीं समझ में आया तो आप वापस मुझसे, जब आपकी ऑनलाइन क्लास होगी तब पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।